मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। इंदौर में बुधवार को नेपाली संस्कृति परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व नेपाली नागरिकों से प्रतिदिन 1 रुपए के हिसाब से वसूली कर माओवादियों तक पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले को गंभीरता से मानते हुए जांच कराने की बात कही है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि इंदौर जिले में रोजगार के लिए आकर रहने वाले नेपाली नागरिकों पर कुछ असामाजिक तत्व और उनके छिपे संगठन दबाव बनाकर वसूली करते हैं। उनसे इंदौर में रहने के लिए 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है। आरोपी के इस पैसे का इस्तेमाल चीन समर्थित माओवादी संगठनों को मदद देने में किया जा रहा है। इंदौर की मुखबधिर छात्रा वर्षा डोंगरे ने मिस इंडिया अवार्ड हासिल कर कीर्तिमान रचा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित सामान्य प्रतिभागियों की स्टार लाइन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में 1000 प्रतियोगी शामिल हुए थे, जिनमें 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। उसमें वर्षा ने यह उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए। यह आंकड़े CMHO की तरफ से 11 अगस्त को देर शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार है। इन आंकड़ों को स्वास्थ्य विभाग एक दिन बाद जारी करता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में सिर्फ 8 नए संक्रमित मिलने की जानकारी दी गई है। वहीं प्रदेश में पिछले 5 दिनों में चारों बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में 36 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 15 और भोपाल में 11, जबलपुर में 6 और ग्वालियर में 4 केस मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेक को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। CM ने मंच से कहा कि विवेक सागर आज से DSP है। कार्यक्रम में विवेक ने कहा, मैं अपने माता पिता के लिए पक्की छत का इंतजाम करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी विश्व की सबसे अच्छी अकादमी है। मैं 2013 में यहाँ छोटे से गांव से आया था। जैसे मैंने मेडल जीता है वैसे आप भी जीत सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेहनत के अलावा अनुशासन भी जरूरी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के फटे कपड़े देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने जयवर्धन को शाबाशी भी दी। बता दें कि जयवर्धन सिंह के कपड़े भोपाल में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फट गए थे। इस पर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बेटे की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि शाबाश जेवी, संघर्ष ही जीवन है,